हेलो गाइस, आज हम फिर से आगे टिकटॉक के एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर, जैसा कि वीडियो देख सकते हैं टिकटॉक पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में आ चुका है। तो आज मैं आपको इसी वीडियो का ट्यूटोरियल देने वाला हूँ, इस तरह के वीडियो आप कैसे बना सकते हैं। इस टाइप के वीडियो बनाने के लिए आपको करना क्या है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में काइन मास्टर एप्लीकेशन और एक वीडियो का लिंक दिया हूँ, दोनों को आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है, मीडिया पे आना है और आपने जो वीडियो शूट कर रखे है उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। तो सिंपल, सबसे पहले वीडियो को सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद प्ले कर कर दिखा भी दूंगा एक बार आपको वीडियो किस प्रकार शूट करना है। तो मैंने वीडियो को सेलेक्ट कर लिया हूँ। सेलेक्ट करने के बाद वीडियो क्लिप पर क्लिक करेंगे और ओरिजिनल साउंड को सबसे पहले म्यूट कर देना है। तो मैं आप सबसे पहले सेकेंड पार्ट का वीडियो दिखा देता हूँ किस प्रकार शूट करना है। तो मैंने जो सेकेंड पार्ट का वीडियो शूट किया हूँ कुछ इस तरह से वीडियो शूट किया हूँ। तौलिया हाथ में आपको ले लेना है और कुछ इस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ लेकर आना था, जैसा कि वीडियो में आप देख सकते हैं। तो मैं एक बार प्ले करके भी दिखा देता हूँ। तो जैसा कि देख सकते हैं, वीडियो हमने सेकेंड पार्ट का वीडियो कुछ इस तरह से शूट किया हूँ, तो आपको भी कुछ इस तरह से ही शूट कर लेना है। इसके बाद फर्स्ट पार्ट का वीडियो जो हमने जो शूट कर रखे हैं कुछ इस तरह से शूट कर रखे हैं, तो आप फर्स्ट पार्ट का वीडियो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि देख सकते हैं, हम दो बार कैमरा की तरफ हाथ करते हैं कुछ इस तरह से। इसके बाद मैं कहता हूँ 1 मिनट वेट करो, इसके बाद फिर से तौलिया लेता हूँ कुछ इस तरह से और ऊपर से नीचे की तरफ कुछ इस तरह से आपको वीडियो शूट कर लेना है, जैसा कि वीडियो देख सकते हैं। तो मैंने फर्स्ट पार्ट का वीडियो कुछ इस तरह से है और सेकेंड पार्ट का वीडियो कुछ इस तरह से है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले हमें सेकेंड पार्ट का वीडियो को एडिट करना है। अब देखिए, जैसे कि हम यहाँ से नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो हमें जो यहाँ पर लेफ्ट साइड का पार्ट जो है एक्स्ट्रा है, तो लेफ्ट साइड पार्ट को हमें रिमूव करना है। वीडियो क्लिप पर क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पर क्लिक करेंगे और ट्रिम टूल लेफ्ट कर देंगे। इसके बाद लास्ट पॉइंट पे आना है और यहाँ पे जहाँ पे वीडियो खत्म हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, वीडियो क्लिप पर क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पर क्लिक करेंगे और ट्रिम टूल राइट कर देंगे। तो हमारा जो पार्ट सिर्फ यही पार्ट चाहिए। इसके बाद आपको क्या करना है, लेयर पर आना है, मीडिया पर आना है और यहाँ पर आपको बैकग्राउंड पर क्लिक करना है और यहाँ पर कोई सा भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद कलर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फिर से हमें ग्रीन कलर में कन्वर्ट कर देना है। इसके बाद कुछ इस तरह से इसको आपको जूम कर लेना है। जूम करने के बाद आपको सही सही से एडजस्ट आपको करना है कुछ इस तरह से। एडजस्ट करने के बाद लास्ट पॉइंट पे आना है और एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देना है। ग्रीन स्क्रीन पर क्लिक करेंगे और डिलीट के ऊपर एक चाबी का ऑप्शन, डिलीट के ऊपर एक की का ऑप्शन मिल जाता है, की पर क्लिक करेंगे और लास्ट पॉइंट पर कुछ इस तरह से आ जाना है और इसको कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर एडजस्ट कर देना है। इसके बाद डन करते हैं। अब मैं आपको एक बार वीडियो प्ले कर दिखा देता हूँ। अब आपका वीडियो देख सकते हैं कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे, लेकिन आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, जैसे कि कुछ नीचे की तरफ आता है तो यहाँ पे हमें कुछ इस तरह से रेड कलर दिख रहा है, तो आपको दिखना नहीं चाहिए। तो सिंपल कुछ ऊपर की तरफ करना है और यहाँ पर फिर से हमें वीडियो कलर पर क्लिक करेंगे, की पे क्लिक करेंगे और फिर से हमें इसे कुछ इस तरह से एडजस्ट कर देना है। इसके बाद डन करते हैं। इसके बाद देखते हैं प्ले कर फिर इस तरह से आते हैं और फिर देख सकते हैं, फिर से जैसे नीचे आएंगे तो कुछ दिखने लगता है। तो कुछ इस तरह से आपको हल्का ऊपर की तरफ आना है, फिर से क्लिक करेंगे, की पे क्लिक करेंगे, फिर से इस प्लस पे क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ आपको कर देना है। इसके बाद डन करते हैं, फिर से प्ले करेंगे, फिर से आप देख सकते हैं यहाँ से दिखने लगा है। तो फिर से इस पर क्लिक करेंगे, ग्रीन स्क्रीन पर की पे क्लिक करेंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे और कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ आपको एडजस्ट करना है। फिर से हम प्ले कर देखते हैं, ग्रीन स्क्रीन पे क्लिक करेंगे, की पे क्लिक करेंगे और प्लस पे क्लिक करेंगे और कुछ इस तरह से एडजस्ट कर देंगे। इसके बाद फिर से प्ले करना है, तो इस तरह से आपको एडजस्ट कर लेना है। तो अब मैं लास्ट फाइनली प्ले करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। बिल्कुल आसानी से इस तरह के वीडियो एडिट कर सकते हैं। इसके बाद शेयर पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है और वीडियो आपका यहाँ पे पूरी तरह से फर्स्ट सेकेंड पार्ट का वीडियो तैयार हो चुका है और हमारा वीडियो देख सकते हैं फाइनली एक्सपोर्ट भी हो चुका है। एक्सपोर्ट होने के बाद फिर से हमें दो बार यहाँ पे बैक करना है, प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है, मीडिया पे आना है और आपने जो वीडियो शूट कर रखे है फिर से हमें वही वीडियो सेलेक्ट करना है। तो मैं वीडियो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने वीडियो को सेलेक्ट कर लिया हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे करना क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाना है। आपको देखना है हमारा वीडियो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो देख सकते हैं हमारा वीडियो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। वीडियो क्लिप पे क्लिक करेंगे और लेफ्ट साइड का पार्ट जो एक्स्ट्रा है उसे हम कैचिंग निशान पर क्लिक करेंगे और ट्रिम टूल लेफ्ट कर देंगे और वीडियो को आगे की तरफ क्लिक कराना है और आपको यहाँ पर देखना है हमारा वीडियो कहाँ पर ख़त्म हो रहा है।
जैसे कि देख सकते हैं मैंने यहाँ पे किया 1 मिनट कुछ इस तरह से, तो यहीं तक का सीन चाहिए। तो इसके बाद स्पीड टू प्ले हिट कर देते हैं, इसके बाद वीडियो को आगे की तरफ लेकर आएंगे और तौलिया को कुछ इस तरह से मैंने हाथ में लिया हूँ, ऊपर से नीचे की तरफ कर रहा हूँ कुछ इस तरह से। तो जैसे कि आपको यहाँ पर तौलिया दिख रहा है, तो सिंपल। और इसके बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को आपको रिमूव करना है लेफ्ट साइड का। वीडियो कलर पे क्लिक करेंगे, कैंची के निशान पे क्लिक करेंगे और ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे। इसके बाद वीडियो को कुछ इस तरह से करना है और यहाँ पे हमारा ख़त्म हो रहा है, तो यहीं तक का सीन हमें चाहिए। वीडियो कलर पे क्लिक करेंगे, कैंची के निशान पे क्लिक करेंगे और ट्रिम टू राइट कर देंगे। तो हमारा वीडियो आप देख सकते हैं किस तरह से शूट किया गया है, मैं एक बार प्ले कर कर दिखा देता हूँ। तो आपको भी सेम इसी तरह से वीडियो को शूट कर लेना है। तो सिंपल इस तरह की वीडियो आप बिल्कुल आसानी से शूट कर सकते हैं या फिर इसे भी बेहतरीन शूट कर सकते हैं। बस आपको एक बात को ध्यान रखना है, जब भी आप वीडियो शूट करेंगे तो जिस कलर का शॉर्ट या टी शर्ट पहने हैं वही कलर का हाथ में आपको तौलिया या तौलिया नहीं लेना चाहिए, ठीक है। इसके बाद डन करेंगे, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है और आपने जो वीडियो एक्सपोर्ट किए थे, एक्सपोर्ट किए गए वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरह से आपको एडजस्ट करना है। इसके बाद सबसे पहले इसे मैं फुल स्क्रीन में कन्वर्ट करता हूँ। वीडियो कलर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है क्रोमा की का, क्रोमा की को इनेबल कर देंगे। कलर की पे आना है और यहाँ पे आपको ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लेना है और इसे आपको सही से एडजस्ट कर देना है। तो अब आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। तो देख सकते हैं ऊपर तो हमारा सही से एडजस्ट हो रहा है लेकिन यहाँ पर एडजस्ट नहीं हो रहा है। तो इसमें अगर कुछ पार्ट एक्स्ट्रा दिख रहा है तो एक्स्ट्रा पार्ट को लेफ्ट साइड से रिमूव कर सकते हैं मैच करने के लिए। इसके बाद इस पर प्रेस करेंगे, कुछ इस तरह से एडजस्ट आपको कर देना है। अब आपको मैं वीडियो को प्ले कर कर दिखाता हूँ। अब देख सकते हैं वीडियो हमारा लगभग यहाँ पे मैच हो चुका है। फिर भी अगर मैच नहीं होता है तो फिर भी आप हल्का लेफ्ट साइड से पार्ट कुछ रिमूव कर सकते हैं। तो ट्रिम टू लेफ्ट कर देना है आपको। अब देख सकते हैं हमारा वीडियो अब कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। हमारा वीडियो फाइनली तैयार हो चुका है। इसके बाद वीडियो के लिए एक लास्ट पॉइंट पे आना है और जो बैकग्राउंड वीडियो जो एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देंगे। तो अब हम आपको फाइनली वीडियो प्ले कर कर दिखा देता हूँ। तो इस वीडियो में हमें साउंड ऐड करना है, तो साउंड भी ऐड करके दिखा दूंगा किस तरह से वीडियो में आपको साउंड ऐड कर सकते हैं। तो सिंपल हमारा वीडियो देख सकते हैं तैयार हो चुका है। इसके बाद लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक साउंड लिंक भी दे चुका हूँ, सिंपल आपको वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद कैंची के निशान पर क्लिक करना है, स्ट्राइक आइडियो कर देना है। वीडियो पे क्लिक करेंगे और इसे आपको डिलीट कर देना है। इसके बाद एक्स्ट्रा साउंड को ट्रिम टू राइट कर देना है। इसके बाद सेटिंग पे आना है, आइडियो फेड आउट को ऑफ कर देना है, शेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं एक साउंड लिंक भी दे दूंगा, उसी वीडियो के साउंड पर आपको इस वीडियो को अपलोड कर देना है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल सलेन चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। यदि आपको किसी भी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम से वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।